वैसा गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का, ये आप लोगों को एनालाइज करने हैं। तो आप लोगों के पास में एक मौका होता है डेली शाम को इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने पूरे दिन को एनालाइज कर सकते हैं। तो बताइए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 100 में से कितने प्रतिशत मार्क्स आप लोग आज के अपने आप को देंगे कि ऐसा आप लोगों ने ये दिन यूटिलाइज किया है। हर एक दिन में कुछ ना कुछ यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करेंगे, वरना कैलेंडर में डेट चेंज होती रहेगी और आप लोगों को भी लगेगा हाँ एक और दिन चला गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे नहीं करने, जिंदगी में हर एक दिन को आप लोगों को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो बताइए कैसा रहा आज का आपका दिन और नेक्स्ट डे जो है वो कैसे आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं। बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। आप लोग अक्सर ये देखते होंगे कि कई बार आप लोगों को ऐसा फील होता होगा, यार इस मुकाम पर आकर कोई साथी नहीं दे रहा है, यार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में मैं अकेला ही रह गया हूँ या रह गई हूँ। आप लोगों ने कई बार ऐसे फील किया होगा कि ऐसा लगता है कि कई बार कि एक से बहुत सारी भीड़ आप लोगों के आसपास में पर कोई भी अपने करीब नहीं है, ठीक है, ऐसी फील आप लोगों को कई बार आती होगी। ये ऐसा इंसान को नॉर्मली तब लगता है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, एक तो जब आप लोगों के पास में एक प्रॉपर अपना शेड्यूल नहीं होता है, आप लोग जिंदगी में ऐसा फील करने तब लगते हैं जब आप लोगों का माइंड जो है वो बिजी नहीं होता है, ठीक है, और आप लोग खासकर अपने कंपनी को खुद से आप लोग इंजॉय नहीं कर रहे होते, तो तब आप लोग ऐसा फील होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं चाहूं तो मतलब मैं कहीं पर भी अकेला रह सकता हूं बिना किसी टेंशन के, अगर कोई महीनों तक भी मेरे साथ बात ना करे, बस जो मुझे काम करना है वो सारी चीजें मेरे पास में रहे और कंटिन्यूअसली मैं अपने काम को करता रह सकता हूं। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि जब आप लोग अपने आप से बातें करने लगते हैं, आप लोग अपने टाइम में अपने साथ में अपना टाइम जो है वो व्यतीत करना पसंद करने लगते हैं, तो फिर आप लोगों का पूरा फोकस जो होता है वो अपने काम पर चला जाता है। और ये टेंडेंसी अगर आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली तो फिर दुनिया में कोई भी जो अकेलापन आप लोगों को या फिर कहीं पर आप लोग अकेले हैं वो चीज आप लोगों को सताएगी नहीं, इवन आप लोग उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, इवन आप लोग उसमें और ज्यादा प्रोडक्टिव फील करना स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और ये चीजें वही फील कर सकते हैं जो कभी जिंदगी में अकेला रहा होगा और उसने अकेले बैठकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होंगे, यानी कि उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम किए होंगे। नहीं यकीन आ रहा है तो कभी अपने अकेलेपन को एंजॉय कर देखो, आप लोगों को इसका रियलिटी में मतलब समझ में आएगा। और ये फैक्ट बोल रहा हूँ, ऐसे ही कोई नहीं हवा में बातें कर रहा हूँ, रियलिटी में आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात यार ये भी, अगर आप लोग खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दुनिया में एंजॉय क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो अपनी खुद की कंपनी कम से कम आप लोग एंजॉय करना स्टार्ट करो, ओके। एक सेकेंड यार, तो वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोग देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूं कि क्या क्या आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों किस लेवल पर आप लोगों को अपने माइंड को अलर्ट रखना है। ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर बता देता हूं स्टार्टिंग में। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे एक रिकॉर्ड के बारे में जो कि यहां पर रामसर लिस्ट से रिलेटेड है, पर लेकिन यहां पर ये आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि रामसर लिस्ट के बारे में तो आप लोगों से बात करूंगा ही करूंगा, पर लेकिन फिलहाल ये जो पर्टिकुलर शब्द जो मैंने यहां पर अभी छुपाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा न्यूज में है फिलहाल अभी रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। आखिर क्या है पूरा मुद्दा उसके बारे में हम लोग समझेंगे यहां पर, ठीक है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि एक पर्टिकुलर ये लो मोन्ट्रेक्स, ठीक है, तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को इसमें दो हमारी कंट्री के बेसिकली आज की डेट में नेशनल पार्क है, एक का नाम है कैलेडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर में और दूसरा है लोकतक लेक, तो यहां पर इसके बारे में बात करूंगा। आखिर ये किस चीज से रिलेटेड है यहां पर मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही डिटेल में अच्छे से मैं डिस्कस आप लोगों से करने वाला हूं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ये बनाया गया था 1988 यानी कि 1988 के अंदर में, किसके द्वारा मिलकर बनाया गया था, एक है यहां पर WMO और दूसरा है UNEP। तो UNEP की तो मैंने डेफिनेशन मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म लिख रखी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि WMO क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक कोणार्क सन टेम्पल आप लोगों ने सुना है कि उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। आप लोगों को दूसरे का बताना है, दूसरा कहां पर है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा अभी। पूरे मंदिर के अंदर जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वहां पर कोई ATM लगा है वो चलाना है, लाइट जल रही है वो चलाना है, या फिर जो भी सिस्टम वहां पर रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए, उसको सबको रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, यानी कि अक्षय एनर्जी से चलाया जाएगा। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर इसके लिए काम कर रही है, ठीक है। ORED ये क्या है, बेसिकली ये एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो कि यहां पर गवर्नमेंट उड़ीसा के अंदर में आती है और यहां पर इसी के द्वारा बोला गया है कि नेट जीरो एमिशन करेंगे यहां पर 2022 तक दिसंबर के महीने में, यानी कि 2022 में इसी साल के अंदर दिसंबर के महीने में
कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा कोणार्क टेम्पल का जहां पर जो बिजली है वो कोयले से बनेगी, सारी बिजली जो है वो सोलर एनर्जी से बनेगी। तो है ना शानदार बात। इसी के साथ में एक अनदर प्रोजेक्ट कहां पर ये आप लोगों को बताने ही मैंने बताया गया अभी, कंजर्वेशन अगर बात करें यहां पर बेसिकली कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के हिसाब से। आप लोगों को ये बताना है कौन सा है वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट, ये मेन कौन सा है इसके बारे में भी बात करूंगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा टास्क फोर्स बनाया गया कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स के बारे में, आखिर ये क्या होता है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको समुद्री गाय भी बोला जाता है। अभी पिक्चर में भी दिखाऊंगा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में फिर इस टॉपिक को लेकर नहीं होगा। देखिए वीडियो सुनने के बाद में कहीं भी आप लोगों को ये लगे ना कि हाँ वहां पर डाउट है तो उसको पूछ ले लीजिए, और इसीलिए तो होता है फीडबैक, आप लोग वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाता है इन चीजों का कि हाँ आप लोगों को चीजें कैसी लग रही हैं, और अगर उनसे नहीं लग रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता भी सकते हैं ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग फीडबैक के तौर पर यूज कर सकते हैं वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में। ओके आगे बढ़ते हैं, आज कोई वैसे तो इंपॉर्टेंट डे नहीं है पर लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आप लोग फेस्टिवल के बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर चपकर ठीक है, तो यहाँ पर चपचार बेसिकली CHAPCHAR, तो चापचार भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक फेस्टिवल है चापचार कूट, तो ये फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। मिजोरम को जब आप लोग मैप में जाकर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमारा एक राज्य है यहाँ पर ठीक है, जो कि म्यांमार के साथ में भी बॉर्डर टच करता है और बांग्लादेश के साथ में भी बॉर्डर टच करता है और अपनी कंट्री के तीन राज्य भी टच करता है। कौन सा, यहाँ पर है त्रिपुरा और यहाँ पर हो गया मणिपुर और ये हो गया आसाम, तो टच में खेल रहा है यहाँ पर, ये मान लीजिए अलग अलग एरिया के साथ में टच करता है। तो मोटे तौर पर बोले तो यहाँ पर इंटरनेशनल भी बाउंड्री है इसकी और अपनी कंट्री के अंदर भी बाउंड्री है। ये जो फेस्टिवल है ये मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है जब यहाँ पर झूम ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, खासकर जंगल को क्लियर करके खेती करने का ये ऑपरेशन रहता है। तो यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है खासकर एक तरीके से। ये एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग लोकल एरिया में अगर चीजों को आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग चीजों को समझ पाओगे कि कितने शानदार तरीके से फेस्टिवल जो है उनकी कल्चर को भी दिखाता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा हर्ष और उल्लास से इनके फेवर ऑन गेटी से यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो नहीं कहते कि अपने, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग त्योहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे खुद के त्योहार होते हैं तो हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग कम्युनिटी में, तो कितने हर्ष और उल्लास से हम लोग उनको मनाते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो जो मिजो कम्युनिटी है यहाँ पर मिजोरम के अंदर में वो यहाँ पर बेसिकली इसको काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती है, तो इसको मिजो फेस्टिवल के नाम से भी आप लोग कई बार जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जो चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है वो मिजो ही बोलते हैं, मिजो लैंग्वेज बोलते हैं जो मेन लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक फेस्टिवल है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं, ऐसे तो नहीं आप लोगों को बिल्कुल रटना है पर फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी डायमेंशन बताऊंगा, पूरी दुनियादारी में क्या चल रहा है पूरा अच्छे से समझेंगे और सुनने के बाद में आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, यानी कि पूरा मजा आप लोगों को आएगा ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात क्या की जा रही है अभी यहां पर, ये की जा रही है बात कि पर्टिकुलर एक एरिया है जो कि मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली तुर्की से पूछा गया है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा संडे में भी बात ही बोली गई थी कि यहां पर अभी रिसेंटली क्या करेंगे, उस एरिया को बंद कर देंगे ताकि रशिया के जो शिप है जहाज हैं वो वहां पर न जा सके लड़ाई करने के लिए। आप लोग बोलेंगे तुर्की कहां से आगे बीच में, अभी यहां पर पूरा समझाऊंगा। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, और यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है ये बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और इसी के साथ में क्या तुर्की ये एक तरीके से ब्लॉक कर सकता है रशिया के वॉरशिप को कि वो वहां पर जाने ना दे, क्या तुर्की के पास में इतनी पावर है कि वो रशिया के क्या दुनिया में किसी के भी शिप को वहां पर जाने से रोक सकता है, तो सारी बातें हम लोग समझेंगे। पहले आप लोगों को मैं पर्टिकुलर एरिया में लेकर चलता हूं जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे मैप के ऊपर ठीक है। अभी अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां से पहले अपनी कंट्री को देखें तो यह है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्लैक सी के बारे में, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहां पर ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर इंडिया जो है वो एक जहाज लेकर यहां से जाता है इस तरीके से ऐसे होता हुआ यहां पर, तो यहां स्वेज कैनाल से होता हुआ यहां से जाएगा और यहां से होता हुआ ऐसे ब्लैक सी में चला जाएगा, तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर एंट्री करनी है तो हर एक देश को तुर्की को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे तुर्की की दादागिरी है क्या, जी हाँ आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में तुर्की की दादागिरी है। थोड़ा सा जूम कर जब मैं इस एरिया को दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे, ये जो एरिया है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ध्यान से सुनते चलिएगा जो जो बातें बता रहा हूं, डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का मैप बेस बनी जाएगा यहां से।
ऊपर जो हो गया ये ब्लैक सी हो गया, जिसके ऊपर एक बवाल चल रहा है। अभी हम लोगों ने समझा भी था कि किस तरीके से रसिया के द्वारा बेसिकली जो यूक्रेन का एरिया था, जो क्रीमिया वाला, वो हड़प लिया था ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए। पर लेकिन सोचो, अगर ब्लैक सी में जाना है और रसिया यहां पर रास्ता ही ना दे जाने का, अगर किसी को यहां से होते हुए ब्लैक सी में जाना है, ये हो गया इधर, हो गया एजिंगियन सी, ठीक है, तो यहां से होता हुआ ये जाएगा आगे आएगा, इसके लिए सामने आएगा यहां पर मारमारा सी, और फिर जाकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक सी। तो यानी कि अगर यहां पर एजिनियन सी के थोड़ा सा नीचे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो यहां पर आप लोगों को दो वर्ड लिखे हुए दिख रहे होंगे, यहां पर एक तो यहां पर डार्डेनिल्स और दूसरा यहां पर बोस्फोरस, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर एरिया है, दो पर्टिकुलर स्टेट है, दो पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट क्या बोलते हैं? स्टेट बेसिकली उस एरिया को बोला जाता है, डेफिनेशन है याद रखिएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछ ली आती है, जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करे उसे स्टेट बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर बात करूं तो मारमारा सी को ये एजिनियन सी के साथ में अगर कनेक्ट करना है तो यहां पर डार्डेनल्स जो स्टेट है यहां पर ये कनेक्ट करेगा, और इसी के साथ में अगर यहां पर हम लोगों को बेसिकली कनेक्ट करना है ब्लैक सी को मारमारा सी के साथ में, तो यहां पर बॉस्फोरस स्टेट जो है वो कनेक्ट करेगा। तो याद आ गया, यानी कि यहां पर जो ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक सी हो गया बड़ा, एक समुद्र वाला एरिया बेसिकली, और यहां पर ये हो गया सी ऑफ मारमारा। तो बड़े दो पानी के एरिया को एक लाइन कनेक्ट करती है बेसिकली, ये इसको बोलते हैं एक तरीके से स्टेट, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। और जो पांच मैंने अभी यहां पर चीजें बताई हैं, ब्लैक सी, सी ऑफ मारमारा, रेजिनियन सी और डार्डेनिल्स, और यहां पर ये हो गया बॉस्फोरस। तो ये पांच शब्द जो हैं इनके ऊपर अभी पूरा आर्टिकल घूमने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा आखिर मुद्दा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। अभी यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां से अगर कोई जहाज निकलकर आता है और वो जहाज यहां से होते हुए अगर यहां पर पहुंचता है तो सबसे पहले यहां पर तुर्की को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई साहब हम लोग यहां पर वो जहाज लेकर आ रहे हैं। तो तुर्की को आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा लगभग 15 दिन पहले, और तुर्की फिर इसके बारे में बेसिकली तुर्की को इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप लोगों को यहां पर चीजें लेकर जानी है, यानी कि तुर्की का कंट्रोल है इस पर्टिकुलर एरिया में। ये कंट्रोल कहां से निकल कर आया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पर क्या किसी कंट्री को ऐसे कंट्रोल दिया जा सकता है, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों से यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो काफी डिटेल में यहां पर ये कवर भी किया गया था, आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यहां पर तुर्की को मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है, और आर्टिकल 19 क्या है ये भी यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरे मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का जो इतना हा हुल्ला हो रहा है तो उसको जरा सी देर में उल्टा जा सकता है आर्टिकल 19 से। आखिर ये आर्टिकल 19 क्या करेगा, किस तरीके से चीजों को उलट देगा, और क्या तुर्की को रोकने में यहां पर विफल हो जाएगा, यहां पर अगर तुर्की क्या सॉरी क्या रशिया को रोकने में विफल हो जाएगा तुर्की, तो ये आर्टिकल 19 जो है उसके हिसाब से सॉरी यार उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर लेकिन जितनी कहानी मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाई अभी यहां पर, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो ट्विस्ट क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। मॉन्ट्रेक्स ये कन्वेंशन मैंने शब्द यूज किया है, ये अलाउ करता है नेवल शिप को कि वो पास कर सके थ्रू स्टेट इफ कंडीशन आर मेट, यानी कि अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रेक्स जो कन्वेंशन है, यहां पर जो मिलिट्री शिप है किसी भी कंट्री का अगर यहां पर जाता है, ठीक है, इसके अंदर जाता है ब्लैक सी के क्या हो गया खांसी आ रही है, तो 15 दिन पहले उसको तुर्की को नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस में कि भाई साहब 15 दिन बाद जो है ना। उन्हें कहते आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई भी आप लोग अगर पार्टी करना चाहते हैं कहीं पर और आप लोगों को कोई पर्टिकुलर एरिया बुक करना है, कोई होटल वगैरह या फिर कोई रिजोर्ट वगैरह, तो पहले ही बुक कर देते हैं कि भाई साहब उस दिन आएंगे और इतने घंटे तक पार्टी होनी है हमारी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर 15 दिन पहले बोल दिया कि भाई साहब 15 दिन पहले बोल दिया हमने कि हाँ उस दिन हम लोग आएंगे और लगभग 21 दिन तक यहां पर आकर हम लोग एंजॉय कर जाएंगे। तो यहां से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म करना जरूरी है यहां पर तुर्की को, तभी यहां पर उससे परमिशन लेंगे और तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ये कौन बोलता है, ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन बोलता है सारी बातें। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहां पर है। पहले तो ये मॉन्ट्रेक्स शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकेशन एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो अपने देश से जब आप लोग चलेंगे तो स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये कन्वेंशन है, एग्जैक्ट यहां पर ये कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन मतलब एक तरीके से आप लोग एक मीटिंग बोल सकते हैं, बैठक बोल सकते हैं, जहां पर मिलकर इनके द्वारा कुछ बातचीत की गई। तो ये जो कन्वेंशन हुआ यहां पर, इसमें कई सारी कंट्री थी उस टाइम पर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूके, सोवियत यूनियन। तो इसका मतलब पुराना है, जी हाँ बिल्कुल पुराना है, 1936 का है। तब तक यहां पर सोवियत यूनियन पूरा एक ग्रुप हुआ करता था कंट्रीज का, जिसमें से अब 15 कंट्री अलग निकल चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट, जिसमें से टोटल 15 कंट्री फिलहाल जो है वो अलग निकल चुके हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है यहां पर कि कब का ये साइन किया गया था। तो नवंबर में 1936 में साइन किया गया था,
और इसके बेस पर जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, ये जो स्टेट है यहां पर, ये तुर्की के कंट्रोल में दे दिए गए कि ब्लैक सी के अंदर अगर यहां पर कोई भी आकर एंट्री कर रहा है तो तुर्की को इन्फॉर्म करेगा और तब जाकर यहां पर ये जो है ये एंट्री कर पाएगा। तो तुर्की के हाथ में जो ये पावर दी, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि आप लोगों को एशिया में भी देखने को मिलेगी और आप लोगों को यूरोप में भी देखने को मिलेगी। तुर्की का ये जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, ये छोटा सा जो एरिया है ये आप लोगों को इसका यूरोप में देखने को मिलेगा और तुर्की का बाकी पूरा पोर्शन जो है वो आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये एक यूरेशियन कंट्री होगी, यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर इसका एरिया, जैसे रशिया का है, रशिया भी एक यूरेशियन कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया के अंदर में आती है, ऐसे यहां पर तुर्की भी है, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा एरिया हो गया बेसिकली, आप लोगों ने देख लिया। तो यहां पर ये इसके कंट्रोल में दे दिया गया कि कल को चलकर अगर कोई भी ऐसा जहाज, कोई ऐसा शिप यहां पर आता है, ठीक है, तो यहां पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर यहां पर वो एंट्री करता है। तो इसके चलते यहां पर अगर इसकी इंपोर्टेंस कोई आप लोगों से पूछ ले तो वो क्या है, आज की डेट में 3 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो यहां से निकलता है, ग्लोबली डेली सप्लाई होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह जो अगर बात करें आप लोग। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये यहां पर अपना रास्ता एवरीडे इसको यूज करते हैं। और इसी के साथ में आयरन, स्टील, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वो भी काफी लार्ज स्केल पर यहां से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए यूरोप और वर्ल्ड के दूसरे एरिया में जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कितना ज्यादा गेहूं जो है रशिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, तो गेहूं जो है उसका एक्सपोर्ट करेगा तो यहीं से ही होता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहां पर अगर कल को कोई वॉरशिप आता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरी जो ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई यहां पर, ये किसके बारे में है, ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में। अब आप लोगों को शायद ही कोई ये बात बताएगा जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को कंफ्यूज मत कर देना कहीं के साथ में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के साथ में। जी हाँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप जो बात मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, ये है बेसिकली यहां पर ट्रिक, आप लोगों को कंफ्यूजन में डालकर जरा सी देर में आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन गलत किया जा सकता है और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बात की मैंने आप लोगों से, ठीक है, अभी यहां पर बात करूं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है यहां पर आप लोगों ने रामसर साइट के बारे में सुना है, रामसर साइट बेसिकली यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है ईरान के अंदर में और इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं जिसको आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया हो गया यहां पर, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो ये हो गया रामसर। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था यहां पर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था तो इसमें यहां पर ये बातें की गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी झील वगैरह लेक वगैरह है तो उस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है इसके चलते जो भी यहां पर आज के डेट में ऐसे एरिया जिनको एक बार रामसर साइट के कन्वेंशन के दर्जे में डाल दिया गया है, फिर अगर यहां से उसको बाहर निकालना है तो नॉर्मली आप लोग देखें यहां पर कैस्पियन सी भी है, ठीक है, तो ये याद रखना कैस्पियन सी के साथ में ये टच करता है। तो यहां पर अगर किसी लिस्ट में एक बार किसी को रामसर कन्वेंशन के अंदर डाल दिया कि भाई साहब ये हमारी कंट्री में साइट है, टोटल मिलाकर पता है कितनी साइट है आज के डेट में रामसर कन्वेंशन में, पता होना चाहिए आप लोगों को 49 साइट हो गई हमारे देश की, और 49 साइट जो है वो रामसर कन्वेंशन में है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की उनको रामसर कन्वेंशन में लाने में, बड़ा मेंटेन किया उनको, सारी चीजों को अच्छे से लेकर चला, पर लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ कि कुछ हरकतें हो गई किस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, कोई पोल्यूशन हो गया या ह्यूमन इंटरफेस हुआ यहां पर, इनके उसके अंदर पता चला दुनिया भर की गंदगी भर गई, हम लोगों ने उसको पोल्यूट कर दिया, तो क्या करेंगे उसको, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देंगे। जैसे हमारे देश के अंदर में आज के डेट में दो ऐसी चीजें हैं, एक है कैलेडियो नेशनल पार्क और दूसरा है लोकतक लेक मणिपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर, इनको इसके अंदर डाल रखा है। पहले चिल्का लेक भी थी यहां पर जिसको इसके अंदर डाला गया था, पर लेकिन बाद में चीजें सुधर गई तो इसको यहां से हटा दिया। तो मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है यहां पर ये अंडर रामसर कन्वेंशन के अंदर ही आते हैं, जो कि रजिस्टर करता है ऐसे वेटलैंड जो कि यहां पर किसी न किसी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से उनको डाला गया था बेसिकली रामसर साइट के अंदर में, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो करेक्टर जो है वो धूलमित हो गया है, इनके ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है और उल्टी सीधी हरकतें हो गई है। तो ये फोर्स करता है कंट्री को कि जिस कंट्री में भी आज के डेट में रामसर साइट वगैरह है वो उसको मेंटेन रखे, साफ सुथरा रखे। तो ये काम करता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो यही बातें यहां पर बताई गई है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये इसके पर्टिकुलर पर्पस से। अगस्त 2021 के अंदर में टोटल 46 साइट है ऑल ओवर वर्ल्ड की आज के डेट में अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है। और ये जो बेसिकली पिक्चर में आया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 4 हुआ था यहां पर 1990 में, तो मॉन्ट्रेक्स ये स्विट्जरलैंड के अंदर से यहां पर बेसिकली इसको निकाला गया था, तो जिसके चलते यहां पर ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस जो यहां पर एक तरीके से आगे चलकर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 1996 में, तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। मॉन्ट्रेक्स के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि हमारी कंट्री की दो आप लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे और एक और था यहां पर जो कि बाहर निकल चुका है क्योंकि यहां पर चीजें जो है हम लोगों ने सुधार ली है। तो ये पूरा एक टॉपिक है आप लोगों का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। तो मैंने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के साथ में आप लोगों का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी तैयार करवा दिया है,
अब दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और खासकर हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सी दो ऐसी साइट है हमारी कंट्री में जो रामसर कन्वेंशन के अंदर नई नई ताजी ताजी ऐड की गई है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी कुछ बातें यहां पर कि हाँ, यहां से ऐसे ऐसे जहाज आप लोग ले जा सकते हैं और जाकर यहां पर अपनी दुनियादारी जो है, जो भी आप लोगों को लगता है, वो यहां पर अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर कुछ आप लोगों के ऊपर बैन भी लग जाता है। वो बैन किससे लगता है? वो है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 19 यहां पर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं रशिया को इससे फायदा हो सकता है। वो क्या है? वो यहां पर यह कि कल को चलकर अगर रशिया जो है वो अपना खुद का सिर जो है वो यहां से लेकर आता है और यहां पर लेकर आता है और उसको ले जाकर अपने एरिया में रखता है, क्योंकि वो जो सिर्फ है वो रशिया के एरिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। यानी कि यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, परमिशन उन एरिया वाले लोगों को लेनी है जिनका सिर्फ जो है वो यहां पर मैन्युफैक्चर नहीं किया गया। आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें यहां पर जो जो भी कंट्री आती है ब्लैक सी के साथ में टच करती है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ सके यहां पर और चीजों को लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आप लोग बात करें जैसे रशिया के बारे में, तो रशिया जो है, रशिया के बहुत सारे सिप ऐसे हैं जो रशिया के अंदर बने होंगे। अब मान लीजिए वो पता चला घर से बाहर गए हैं और फिर बाद में घूम कर आ रहे हैं, तो उनको नहीं रोकेगा यहां पर ये, वो वॉर सिप रशिया के हैं तो रशिया के अंदर ही आएंगे। कैसे क्या होता है, आप लोग बोलेंगे आखिर रशिया के सिप कहां कहां घूम रहे हैं? देखिए आज की डेट में ना ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को सिप जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे। कोई जैसे कि मान लीजिए किसी को तेल लेके जाना है, किसी को गेहूं लेके जाना है, तो कल को चलकर उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे तो वो चीजों का ध्यान रखते हुए यहां पर चलते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसके चलते कल को अब लड़ाई हो चुकी है, अब वो यहां पर व्यापार करते हुए तो घूमेंगे नहीं, तो रशिया सबको वापस बुला रहा है, तो वो सिप जो रशिया के पर्टिकुलर एरिया में ही यहां पर बेसिकली बनाए गए हैं उनको लाया जा सकता है, उनको नहीं रोकेगा। पर लेकिन वो सिप जो यहां पर नहीं बनाया गया, जो यहां इनका घर नहीं है, उनको वहां पर एंट्री नहीं की जाएगी। एक तो ये बातें बोलने को दिखेगी। ठीक है, दूसरा यहां पर अगर पनडुब्बी को ही लेकर आना चाहते हैं तो पनडुब्बी को भी यहां पर लेकर आ जा सकते हैं, उसके ऊपर यहां पर ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो नहीं लगेगा। तो ये कई सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आखिर रशिया के दिमाग यहां पर, ये तुर्की के दिमाग में आया क्योंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लगा देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो वॉर के टाइम पर ही लगेगा। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगी तो तब ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लगेगा। वैसे ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो नहीं लगने वाला था, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग में रशिया के द्वारा यहां पर इसको एक मिलिट्री एक्शन बोला गया था, ना कि वॉर बोला गया था। पर लेकिन जैसा अभी माहौल क्रिएट हो गया है, अब ये मिलिट्री एक्शन जैसा लग नहीं रहा है, अब यहां पर ये पूरा एक वॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए तुर्की यहां पर इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर रही है। और आप लोग बोलोगे क्या तुर्की अपने मजे में इसको इंप्लीमेंट कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से सबके पापा यहां पर यूएस से हैं, जो ऊपर से हरकतें करवाते रहते हैं, वरना तुर्की को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रशिया के खिलाफ में उल्टी सीधी बातें कर। वो कैसे? अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, बड़े ही ध्यान से वो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा था गेहूं के बारे में, याद आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट गेहूं करने वाला देश कौन सा है? आप लोग बताइए सबसे ज्यादा गेहूं कौन हम इंपोर्ट करते हैं? ई से उसका नाम बनता है। ठीक है, तुर्की के बारे में जब मैंने बात किया था आप लोगों से, मैंने बताया था कि 74% जो गेहूं है तुर्की के अंदर में वो रशिया और यूक्रेन से आते हैं। तो सोचो 74% यानी 74% जो इसके अंदर गेहूं आते हैं वो बाहर से आते हैं, और वो उनमें से रशिया और यूक्रेन है। दोनों के अंदर लड़ाई चल रही है तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लोग चल के कल को तुर्की को सामान भेज सकते हैं। पर तुर्की के और हमारे रिलेशन भी ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। जब भी यहां पर बात आती है कश्मीर के मुद्दे पर, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो ये हमारे लिए एक ज्यादा अच्छी कंट्री नहीं है अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी मुद्दा यह है कि अगर इसने रशिया के साथ में कुछ गड़बड़े की तो यहां पर इनके एरिया में काफी सारा बवाल यहां पर देखने को मिल सकता है। तो उसी के चलते एक ये भी मुद्दा आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई अब आप लोगों के समझ में आ गया कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है। ठीक है, इसी के साथ में मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है और आर्टिकल जो यहां पर ये 19 है, ये क्या करता है? ये थोड़ी छूट देता है यहां पर एक तरीके से। अगर कोई वहीं पर ही बना हुआ है और वो फिर अपने ही घर में वापस आएगा जहाज, तो उसको छूट देना है। यानी कि बाहर से किसी को बुलाने लगे हेल्प करने के लिए यहां पर, कि बाहर का कोई जहाज आ जाए यहां पर हेल्प करने के लिए, तो उसको अलाउ नहीं करेगा। कि रशिया बोलने लगे कि भाई साहब बाहर के देश है, इंडिया भेज दे अपना, चाइना भेज दे, उसको अलाउ नहीं करेगा। और आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जहाज को कोई हवाई जहाज में लेकर लेकर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी के जहाज के ऊपर ही कई सारे हवाई जहाज आ जाते हैं, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से पानी के अंदर से ही थ्रू होता हुआ यहां पर आएगा। अब सर पे रख कर दो इसको लेकर आने से यहां पर, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर यहां पर ये चीजें मेंटेन रखनी है तो इस तरीके से यहां पर पानी के थ्रू आएगा और तुर्की से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर रशिया के अंदर, रशिया के किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कोई जहाज बनाया गया और वो जहाज जो है फिर से अपने पोर्ट पर वापस आएगा, तो उसको ये नहीं रोकेगा। बाहर से कोई जहाज अगर एक्स्ट्रा लेकर आ जा रहा है उसको यहां पर ये रोकेगा, या फिर कहीं बाहर से रशिया ने कोई जहाज खरीदा है वो आप लोगों को देखने को मिले, वो जिसका एक तरीके से लोकल एरिया में नहीं बनाया गया है, तो उसको भी यहां पर ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं लोकल एरिया के लोगों को ही यहां पर ये अलाउ करेगा, अपने घर के आदमियों को।
तो ये पूरा कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। काफी ज्यादा इसके ऊपर न्यूज चल रही थी कि यहां पर नेवल पैसेज इसको दिया जाएगा, क्या होगा। यूक्रेन ने बोला है कि मॉन्ट्रेस कन्वेंशन को इस तरीके से करे, क्या यहां पर बेसिकली बॉस्पोरस या फिर डार्डेनेल्स जो स्टेट है यहां पर तुर्की क्या स्टेप उठाएगा। तो ये सारे मुद्दे मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए, अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं, आगे भी बन सकता है, तो ये टॉपिक भी अपने माइंड में क्लियर रखेगा। और जो मैप मैंने आप लोगों को सारा बताया, इसमें जो पोजीशन मैंने आप लोगों को बताई है, वे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे। तो टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। और इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों से तो पूछेगा नहीं कोई कि रशिया जो है यूक्रेन के साथ में क्यों लड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों से ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जा सकती है पीछे से, ठीक है, कि बताइए यहां पर एजिनियन सी को यहां पर मार्मरा सी के साथ में कौन कनेक्ट करता है, कौन सा स्टेट है यहां पर। ये बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा एक मिनट के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, जहां जहां पर भी आप लोग कंफ्यूजन लगेगा उस चीज को क्लियर करके आगे बढ़िएगा, तभी फायदा भी है चीजों को पढ़ने में, ओके। बाकी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन दे सकते हैं, यानी कि आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी आप लोग बता सकते हैं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से और जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात करूंगा यहां पर अभी कोणार्क सन टेंपल के बारे में, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, पर लेकिन पहले यहां पर यह जान लीजिए कि आखिर ये न्यूज में किस लिए आ गया है। ये बात की जा रही है उड़ीसा के अंदर एक काफी महान काफी पुराना टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोणार्क सन टेंपल। आप में से कितने ऐसे हैं जो यहां पर इसमें कभी घूमने गए हैं, और कितने उड़ीसा वासी यहां पर जो लेक्चर देख रहे हैं वो कभी यहां पर इसको देखने गए हैं, क्योंकि उड़ीसा के हैं तो ऐसा नहीं, हालांकि सभी देखने चले जाते हैं, पर फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो देखने गया होगा। आप लोग बता सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि मैं कभी उड़ीसा हूं तो मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं इस टेंपल के बारे में अभी न्यूज में क्यों है। कुछ दिनों पहले यहां पर रिस्टोर करने की बात की जा रही थी कुछ एरिया के टेंपल को, पर लेकिन अभी यहां पर जो है बात की जा रही है कि पूरे एरिया में यहां पर एक तरीके से सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री का जो टारगेट भी है कि 2070 तक का हमको अपना नेट कार्बन जीरो जो है वो जीरो करना है, ठीक है, कार्बन एमिशन। तो उसी टारगेट को आगे लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो कोणार्क जो यहां पर अभी जो है बेसिकली एरिया, इसको यहां पर एक ट्रांजिशन के फेज में डाला गया है, यानी कि इसके ऊपर आप लोगों को टोटल देखने को मिलेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस किया जा रहा है, खासकर सोलर एनर्जी से बेसिकली आने वाले टाइम में सारी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। 25 करोड़ रुपए का यहां पर लगाकर पैसा टारगेट रखा गया कि इसको यहां पर कंप्लीट किया जाए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आप लोगों को यहां पर सन टेंपल कहां पर है, ये बेसिकली मोधेरा, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, ये गुजरात वासियों के लिए है। तो गुजरात वासियों के लिए ऐसा ही एक टेंपल है यहां पर गुजरात के अंदर में, जैसा उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कोणार्क सन टेंपल। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा और गुजरात के ही है टेंपल, इनमें इंडिया का कोई भी पर्सन जा सकता है अगर आप लोग श्रद्धा रखते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट थर्ड में, तो उसमें आप लोगों को आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को कोई नहीं रखेगा। इसी के साथ में आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक का, यानी कि 29 और 30 में आप लोग अपनी कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी आप लोग कोई नहीं रोकेगा। तो ये ऑलरेडी आप लोग के अधिकार है, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। एक काफी रेप्यूटेड एक मैगजीन है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ, उसमें यहां पर ये आर्टिकल डिटेल में कवर किया गया। तो यहां पर फर्स्ट नेट जीरो मिशन की बात की गई हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर टेंपल को लेकर उड़ीसा के अंदर में, और पूरे एरिया को यहां पर बोला जा रहा है कि कोणार्क का पूरा जो एरिया है यहां पर ये वो एक तरीके से यहां पर इसको 100% सोलर टाउन बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब एक एक कर बातें पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज है, तो सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे फिर यहां पर, ठीक है। सबसे पहले तो नेट जीरो यहां पर ये बेसिकली अचीव कर रहे हैं, तो कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो यहां पर हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी के साथ में यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहां पर ORED A। क्या नाम है इसका? ORED A, मतलब क्या हो गया? उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये आप लोगों यहां पर काम करती हुई नजर आएगी। तो इनका पूरा टारगेट ये कि जीरो एमिशन इन लोगों को लेकर आना है 2022 तक का, दिसंबर के महीने तक। तो ये कोलैबोरेट करेंगी, बेसिकली हमारे कोलैबोरेट करेंगी दोनों मिलकर यहां पर आपस में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम करेंगे। और इसके लिए नहीं ओनली यहां पर गुजरात के अंदर में जो यहां पर मोधेरा जो है वहां पर भी इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसी तरीके से यहां पर बेसिकली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा ताकि नेट जीरो टारगेट को ये अचीव कर सके। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आखिर क्या क्या चीजें हैं यहां पर? 50 सोलर पावर्ड आप लोगों को स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेगी, 40 ड्रिंकिंग वाटर ATM आप लोगों को नजर आएंगे, 20 बैटरी ओपन व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे चार्जिंग पॉइंट, 50 किलोवाट सोलर पावर प्लांट यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा टेंपल में ताकि वहां पर रोशनी वगैरह रहे,
रूफ सोलर पैनल लगाए जाएंगे लगभग यहाँ पर ऑन द 12 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्कूल, हॉस्पिटल और इसी के साथ में ऑफिसेज, ताकि आसपास वाले एरिया को भी कवर किया जा सके। तो ये पूरा जो यहाँ पर सिटी है उसको कवर करने की बात की जा रही है। तो सोलर पावर प्लांट जो है वो एनर्जी की जो भी रिक्वायरमेंट है कोणार्क के आसपास में उसको यहाँ पर कंप्लीट करेगा। और पर्टिकुलर यहाँ पर अदिति सोलर करके एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर ये काफी सारी चीजें जो इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर करने वाली है ताकि चीजों को सही तरीके से लेकर चला जा सके। तो ये एक तरीके से रिन्यूएबल जो मुद्दा यहाँ पर जब निकल कर आता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है कि हम लोग इन चीजों को उस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि कल को चलकर किसी को कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खेला गया प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या रहेगा, इससे बेसिकली श्रद्धालु भी खुश और भगवान भी खुश, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, खुश अगर वहां पर कोई ऐसी मतलब की नहीं एक तरीके से कार्बन एमिशन नहीं होगा तो आप लोग भी खुश। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से स्टैटिक पोर्शन है आप लोगों का, ये मैंने सारा करंट बता दिया आप लोगों को कि प्रोजेक्ट क्या है, कौन कनेक्ट कर रहा है, कहां से आर्टिकल निकाला गया है और नेट जीरो मिलाकर किसकी हेल्प से किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलेगा। उड़ीसा के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है पुरी। ठीक है, तो पुरी ये हलवा पुरी वाली बात नहीं की जा रही है, पुरी सिटी है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। 13th सेंचुरी के अंदर में यहाँ पर एक किंग थे जिनका नाम था यहाँ पर नरसिम्हा देव। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली नरसिम्हा देव फर्स्ट थे यहाँ पर पहले, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली बनाया गया जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसी के साथ में यहाँ पर ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बेसिकली रुधी गंगास या फिर यहाँ पर परचिया गंगास के नाम से भी जानते थे। अब जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन है, ये उड़ीसा पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रुधी गंगास या फिर परचिया गंगास आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ये जो बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक रथ नुमा आकृति यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी जिसके ऊपर यहाँ पर इसको रखा गया और इसके आसपास में यहाँ पर ऐसे जो रथ के जो एक तरीके से पहिया है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो काफी लार्ज स्केल पर इसीलिए यहाँ पर बोला गया परचंड चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी शेप में बनाया गया एक रथ की शेप में बेसिकली। ठीक है, डेडिकेटेड किसके लिए, तो ये भगवान सूरज के लिए इसको डेडिकेट किया गया है। और यहाँ पर कलिंगा जो आर्किटेक्चर है उसको दिखाता है कि उनका अचीवमेंट क्या है, इसको इसीलिए इसके अंदर इतना भव्य इमारत ये बनाई गई है जिसकी कुछ हद नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया 1984 में। अब ये क्या होती है, ये पर्टिकुलर ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे मैंने अभी रामसर साइट के बारे में बात किया ताकि हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऐसे व्हील देखने को मिल जाएंगे, लगभग दो रो मतलब यहाँ पर ईस्ट साइड कोणार्क टेंपल के इस तरीके के आप लोगों को 12-12 व्हील देखने को मिलेंगे, यानी कि 12-12 ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली ये चक्र देखने को मिलेंगे, पहिया देखने को मिलेंगे। अब देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कई सारे लोग जो है लेक्चर इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको करंट से अपडेट रहना है, कई सारे इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनका एग्जाम निकालना है। ठीक है, कई सारे इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको सुनने में मजा आता है, ऐसे भी कई सारे है ना। तो यहाँ पर देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है चीजों को जानने का। अब यहाँ पर इसी तरीके से इन 12 पहियों को कुछ लोग तो ऐसा बोल देते हैं कि ये 12-12-24 यानी 24 घंटे को दिखाते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये 12 महीनों को दिखाते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसमें 7 हॉर्सेस देखने को मिलेंगे, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें 7 दिन को दिखाता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना मानना है, ये बेसिकली लोगों के द्वारा कहा जाता है। अब इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर ये इतनी बेसिक बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कई सारी और बातें इसके बारे में काफी फेमस है। ये जो सन टेम्पल है ये मान्यता है कि इसके अंदर चुंबकीय शक्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके कारण इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि किनारे पर अगर कोई जहाज आता है तो इसको खींच लेता है और कई बार जो जहाज है उनको तोड़ फोड़ कर बर्बाद भी कर देता है। तो ऐसी भी कहावतें इसके बारे में यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई जो कि कल्चर के पॉइंट ऑफ से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से, और अगर आप लोग उड़ीसा वासी हैं और आप लोग एग्जाम के अंदर कोई एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग खासकर याद रख सकते हैं और कभी भी मौका मिले तो इसमें घूमने जरूर जाइएगा, ऐसी ऐसी चीजों को जरूर देखा करो। और छोटी सी बात अच्छा आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इसको ब्लैक पगोड़ा बोला गया, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी के अंदर में उसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। कोणार्क सन टेम्पल जो है हमारी कंट्री में इंडियन करेंसी का जो नया नोट अभी आप लोगों को देखने को मिलता है उसके ऊपर भी कोणार्क टेम्पल की आप लोगों को बेसिकली पिक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें, आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, अगर नया सीखा तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं, जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बेसिकली एनवायरमेंट और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो साउथ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के साथ में बॉर्डर टच करता है।
तमिलनाडु से जब बात करें आप लोग याद रखिएगा, इसके अंदर उड़ी, इसके अंदर बेसिकली पुंडीचेरी के दो डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलेंगे, एक का नाम है पुदुचेरी और दूसरे का नाम है कराईकल पुदुचेरी। एक है यहाँ पर एनम वो आंध्र प्रदेश में, और एक है यहाँ पर मेह वो केरला में देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसके चार डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों के लिए, दो जिसमें से तमिलनाडु के अंदर में आते हैं। तो इसी तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है, पूरा आर्टिकल इसी के बारे में, और ये भी डाउन टू अर्थ से आर्टिकल उठाया गया, मैगजीन है काफी इंपोर्टेंट जिससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी समझने की कोशिश करेंगे आखिर मुद्दा क्या है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया अभी यहां पर रिसेंटली कि यहां पर जो दुगोंग है उसको कंजर्व किया जाएगा। ये दुगोंग आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक जलीय प्राणी है जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको सी काउ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि समुद्र की गाय। तो ये इसी का नाम यहां पर दिया जाता है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए यहां पर कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व भी काफी इंपोर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप लोग से बात करूंगा अभी, ठीक है। तो बात ये की जा रही है कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है और यहां पर पाक बे है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो वहां पर कंजर्वेशन बनाया जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा इन एनिमल्स के लिए। मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बोले तो यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये डेवलपमेंट करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, और यहाँ पर ये कंजर्वेशन रिजर्व इनके द्वारा बनाया जाएगा जिसमें दुगोंग यानी कि जो सी काउ है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट एरिया है यहाँ पर, जो कि आने वाले टाइम में खासकर साउथ एशिया में एक लीडिंग रोल यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा इस पर्टिकुलर एरिया को। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म जो है वो है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर कहां से निकल कर आई, अगर कोई आप लोगों से पूछ रहे हो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर आप लोगों को ये कंजर्वेशन रिजर्व बोला गया है, ये यहाँ पर तिलहरी, ठीक है। तो तिलहरी यहाँ पर ये आप लोगों को कर्नाटक का नजर आ गया, ठीक है, ऊपर आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कुछ ऐसा एरिया है जो कि यहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा मोटा ऐसा एरिया रहता है जिसको कंजर्व करने की बात की जाती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ऊपर जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नीचे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बीच का जो एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका नाम रखा गया यहाँ पर तिलहरी, बेसिकली ये कंजर्व रिजर्व, ठीक है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन भी पूछूं मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है कहां से निकल कर आता है, तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उससे निकालकर इसको लाया गया, कैसे अभी बताऊंगा। पहले यहां पर जो तिलहरी है ये सीआर कंजर्वेशन रिजर्व याद रखिएगा, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसी के साथ में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का जो एरिया है उसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। अभी यहां पर हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया कि हमारी कंट्री में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, पशु पक्षी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम यहां पर किया जाता है। और मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका आर्टिकल 51A के अंदर भी हम हर एक सिटीजन को यहां पर बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग को ड्यूटी दी गई है कि हम लोग इनको प्रोटेक्ट करेंगे। एक डीपीएसपी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वो डीपीएसपी कौन सी है ये आप लोगों को बताने, जिसके बेस पर यहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था याद रखिएगा 1976 के अंदर में, जब यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको पहले हम लोग किस में रखते थे, स्टेट लिस्ट के अंदर में रखते थे। अब इसको स्टेट लिस्ट में से निकालकर इसको कॉन्टेंट लिस्ट में डाल दिया गया, तो ये भी कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी यहां पर बात करता हूं कुछ आगे इंपोर्टेंट मुद्दे यहां पर ये कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो इसमें यहां पर बेसिकली इसको लेकर आया गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कंजर्वेशन रिजर्व और जो कम्युनिटी रिजर्व है यहां पर, ये एक टर्म है जो कि डिनोट करती है इस पर्टिकुलर एरिया को, एक बफर जोन होता है। बफर जोन जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में सैंडविच है कौन, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल यहां पर बफर जोन है। यूएसए क्यों, रशिया क्यों लड़ रहा है यूक्रेन के लिए, क्योंकि वो नेटो के जो मेंबर हैं उनके बीच में चाहता है, बेसिकली नेटो के मेंबर और रशिया के बीच में बफर जोन बना रहे, ऐसा है कि कल को चलकर अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन गया तो बफर जोन जो है वो खत्म हो जाएगा और कल को चलकर नेटो जो है वो रशिया के सर पर आकर बैठ जाएगा। तो इसलिए पुतिन साहब जो है वो इतने उबलाए हुए हैं, इसलिए वो कहता है कि अपन झुकेगा नहीं चाहे कोई भी आ जाओ, ठीक है। और वो यहां पर बेसिकली सबको खाने पीटने के लिए तैयार है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिलेगी, अभी यहां पर एक ऐसी न्यूज निकल कर आई थी वेस्टर्न मीडिया से, उसमें ये बोला गया कि 9-10 हजार जो है रशियन सैनिक मारे गए और यहां पर ओनली लगभग 2-2.5 हजार के करीब यूक्रेन के सैनिक मारे गए। अगर कुछ ऐसा होता ना तो पुतिन जो है वो सबको कच्चा चबा जाता अब तक, ठीक है। अगर यहां पर जो रशिया के 9-10 हजार मर गए और यूक्रेन के ओनली 2 हजार मरे, तो यहां पर ये सारी फेक न्यूज भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी जो वेस्टर्न मीडिया यहां पर फैला रहा है, ठीक है। तो यहां पर कई सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनके बीच में आप लोगों को कंजर्व रिजर्व एरिया यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बात करूं यहां पर जिसका नाम है यहां पर दुगोंग्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
दुगोंग्स या फिर यहाँ पर इनको दुगोंग दुगोंग के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका नाम देंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके से, और नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको समुद्र की गाय या फिर सी काउ बोल सकते हैं, जो कि तीन पर्टिकुलर तरह से एक प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए इस धरती पर कोई भी प्राणी है ना, नॉर्मली अगर यहाँ पर वनरेबल या फिर इस तरीके के कंडीशन में आते हैं तो उनको तीन तरीके से प्रोटेक्ट हम लोग करते हैं। पहला तो है यहाँ पर IUCN जो कि यहाँ पर जिसके अंदर देखते हैं, दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, और तीसरा है CITS, ठीक है। तो ये तीन ऐसे एरिया हैं जिनमें खासकर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इन तीनों के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा बताओ ये क्या है, मतलब इनके बारे में कहां पर इनको रखा गया, कौन से उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो अगर ये तीन स्टेटस आप लोगों को पता है तो फिर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो हमेशा इन तीन चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कल को चल का पूछ ले जाए तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि अच्छा यार इनके बारे में तो हम लोग को पता है, तो ऐसा बोलने की कोशिश बेसिकली की जा रही है। तो इसलिए हमेशा इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता रखना है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा देता रहता हूं, एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कल को कोई पूछने लगे। IUCN की फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है अगर बोल रहे यहां पर सी काउ को। इसी के साथ में एक और शब्द है यहां पर CITS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। और इसी के साथ में यहां पर इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इतना छोड़ के आगे फिर दो शब्द लिखे हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्तियां। तो ये पूरा एक है, ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो इंडेंजर की कैटेगरी में आ चुकी है, यानी कि वैसे ही वो धरती पर से खत्म होने वाली है, भाई साहब तुम क्यों उसको ऊपर और प्रेशर डाल रहे हो। तो यहां पर इसके लिए इसको अपेंडिक्स फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारी कंट्री में 1972 का, उसके तहत यहां पर शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। तो ये वो बेसिक चीजें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। दुगोंग जो है काफी इंपॉर्टेंट मैरीन इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर पार्ट है, और कल को चलकर अगर ये खत्म हो जाता है तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं फूड चेन जो है वो भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। और ये जो है ये कहीं ना कहीं एक त्रे शाकाहारी प्राणी है, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। लगभग यहाँ पर 30 कंट्रीज ऐसी हैं इंडिया के आसपास में जो कि यहाँ पर जहां पर ये पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे और अंडमान निकोबार हमारे एरिया में तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी और जगह भी आप लोगों को चीजें नजर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे देश में क्या कोई ऐसे और भी प्रोग्राम चल रहे हैं किसी और चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फरवरी 2020 में यहाँ पर 13th कंजर्वेशन पार्टीज, जो सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, ठीक है, तो उसमें कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो यहाँ पर बात करें वाइल्ड एनिमल के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर आज की डेट में बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो इंडिया जो है उसका सिग्नेटरी है। 1983 में हम लोगों ने यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट हुए थे, और ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि एक नॉन लीगली बाइंडिंग है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को लेक्चर देखना है, तो ये बाइंडिंग नहीं होता है आप लोगों एक बार कि आप लोगों को लेक्चर देखना ही देखना है, अभी देखना ही देखना है, आप लोग जब चाहे अपनी मर्जी से जिस टाइम चाहे उस टाइम लेक्चर देख सकते हैं, जिस टाइम चाहे जितनी आवाज में जितनी स्पीड में आप लोग चाहे वो इसको देख सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें, ना करें, आप लोग वो भी जो आप लोगों को सुटेबल लगे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप लोग करना ही करना है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आप लोग वॉलेंट्री है, अपने हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से इस वॉलेंट्री के अंदर भी हम लोग इसी के अंदर कई सारे काम हम लोगों ने कर डाले, जैसे साइबेरियन जो क्रेन थे 1998 में इसके लिए काम किया, मेरीन टर्टल के लिए, दुगोंग्स के लिए, और यहाँ पर रैप्चर्स के लिए 2016 में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं इनके मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, उसके द्वारा टास्क फोर्स बनाई गई कंजर्वेशन दुगोंग्स के लिए यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है। UNEP और इसी के साथ में CMS, यानी के जो यहाँ पर जिसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के बारे में बात की थी, तो उसके MOU के साथ में इंडिया भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल इस तरीके से मैंने पढ़ा दिया कि कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में बता दिया, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर कहां पर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, दुगोंग्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और क्या कोई और प्रोग्राम्स है उनके बारे में आप लोगों से बन सकती है बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने एक ही आर्टिकल के अंदर कवर कर आप लोगों के सामने प्रोज दिए, और ये स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया आप लोगों का साथ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, GS पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन और इसी के साथ में डिग्रेडेशन कंजर्वेशन के बारे में बात की जा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से बात की थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPCC बोलते हैं। IPCC के अंदर यहां पर कई सारी बातें की गई, उसी के बारे में बात करूंगा। मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स बेसिकली बोला गया आने वाले 2 दशक के अंदर देखने को मिलेंगे,
और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उससे भी ज्यादा चीजें बढ़ती नजर आ सकती हैं। यानी कि इनके द्वारा बेसिकली ये क्या करते हैं, अलग अलग देश के साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं और ये चर्चा करते हैं बेसिकली ऐसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा जैसे न्यूज चैनल में बोलते हैं ये देखिए एक खौफनाक चेहरा इसकी वजह से दरिंदगी फैल रही है, यही ऐसा बोलते हैं ये देखिए इंसानों का खौफनाक चेहरा इसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है बर्फ पानी बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से लोगों को डराते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक काम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। काफी अच्छे से हिंदू के अंदर भी कवर किया गया और अलग अलग जगह भी इसको कवर किया गया। तो इनके द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई है जो कि नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है थामना। उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं यहां पर इनके द्वारा कुछ शब्द बोले गए, पहले इसकी की हाईलाइट क्या है रिपोर्ट की वो समझ लीजिए आप लोग। इनके द्वारा ये बोला है कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमन है क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है और बहुत ज्यादा वनरेबल होने वाला है। वनरेबल किस कैटेगरी में, कल को चलकर टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग खेतों में अपनी फसल उगाते हैं और फसल जो है वो यहां पर नहीं हो पा रही है तो हम लोग भूखे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे देखने को मिलेगा भुखमरी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से और ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरीके से उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अमीरों का तो फिर भी घर चल जाएगा क्योंकि उनके पास में और भी साधन है, पर गरीबों के लिए तो ये मरने वाली कंडीशन हो जाएगी, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वेदर और क्लाइमेट जो है इसके बारे में बात करें तो काफी एक्सट्रीम सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी एक सिस्टम में आप लोगों को बताने जाऊंगा, उससे पहले आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझिए कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी होती है जो कि आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये दुनिया को बताती है कि भाई साहब कितना और आप लोग जीने वाले हो इस पृथ्वी पर, यानी कि अगर हरकतें चलती रहे तो जल्दी ही आप लोग यहाँ पर इस पृथ्वी को छोड़कर निकल लोगे, ऐसा इनका मानना होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं कि बस या तो सुधर जाओ वरना जो है इन्वायरमेंट आप लोगों को सुधार देगा, तो ये सही भी है वैसे, बताते रहते हैं कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है दुनिया में और सुधर रहे हो कि नहीं सुधर रहे हो, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बताते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बातें बता दी गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और अगर अभी आप लोगों ने इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में आप लोग उसी पेड़ को काट लो जिस पेड़ की टहनी पर आप लोग बैठे हुए, तो आप लोग काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर कई सारे एरिया ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आने वाले हैं। इन्होंने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोला है कई सारे एरिया का नाम, जिसमें आप लोगों को देश के कई सारे बड़े बड़े एरिया देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें जैसे लखनऊ हो गया, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर मतलब एक तरीके से कई सारे एरिया के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग अगर आज के डेट में बातें करने लगे इन एरिया के बारे में तो ये जाने माने एरिया आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लखनऊ के बारे में मैंने बताया, इसी तरीके से अहमदाबाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारी सिटीज के नाम इनके द्वारा बताए गए ताकि आने वाले टाइम में सिचुएशन जो है वो एक तरीके से और भी ज्यादा खराब होती नजर आए, उसको सुधारा जा सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन 1988 में बनाई गई थी इसके द्वारा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो कि UNEP है वो यहां पर बेसिकली यहां पर इसके द्वारा मिलकर बोला गया कि रेगुलर साइंटिफिक एनालिसिस होता रहना चाहिए, हमको पता रहना चाहिए कि हम लोग कितने गड्ढे में गिर रहे हैं ताकि कल को किसी को हाथ दे तो वो खींच ले वरना हम लोग उसी के अंदर दबकर मर जाएंगे। तो इनके द्वारा कहां कहां पर हम लोग को सोल्यूशन निकालना है क्लाइमेट चेंज का और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर क्लाइमेट चेंज का, उसको कैसे टैकल करके चलना है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग मम्मी पापा को बोलो कि शाम को सोने जा रहे हैं सुबह टाइम से उठा देना। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट यहाँ पर यही काम करते हैं कि आप लोग सो रहे हो यहाँ पर तो साइंटिस्ट उठाते हैं भाई साहब जग जाओ अब डूबने वाले हो, तो ये बोलते हैं बेसिकली। IPCC जो है यहाँ पर ये ऑल ओवर मेंबर जो है इसके WMO के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे और UNEP के अंदर ये साइंटिफिक बेस पर बताते हैं बकायदा एनालिसिस करके कि क्या क्या हरकतें यहाँ पर चल रही है। पूरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे ग्रीन हाउस गैस को आप लोग को रोकना है और कैसे चीजों को सुधारना है। तो इनके द्वारा अभी एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको बोला गया वेट बल्ब। ठीक है, वेट बल्ब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, घड़े के अंदर जब आप लोग पानी रखते हैं तो घड़े के अंदर से पानी जो है वो ठंडा रहता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी होता है वो बेसिकली बाहर निकलता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी भी बेसिकली अपने आप को ऐसे ठंडा करती है, जब बॉडी गर्म होने लगती है तो हमारी बॉडी में से पसीना निकलने लगता है और बॉडी ठंडा करने लगती है अपने आप को। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी की वो क्षमता जो है वो काम नहीं करेगी, उस टाइम पर बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया और ये ऐसा टेम्परेचर आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि लखनऊ पटना में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, भुवनेश्वर चेन्नई मुंबई इंदौर अहमदाबाद में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जहां पर आने वाले टाइम में खस्ता हालत होने वाली है। आसाम मेघालय त्रिपुरा वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब यहां पर ये सीवियरली इफेक्टेड देश आप लोग देश मतलब एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो जो भी इन एरिया में आते हैं वो पहले से अपना जुगाड़ कर लीजिए, जो अमीर है वो तो फिर भी ऐसे ही बैठकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे पर लेकिन उनका क्या, जो आज के में गरीब सेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा उनके बारे में कैसे आप लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मुद्दा यहां पर
बेसिक मुद्दे यहां पर उनके बारे में की जा रही है। तो ये टेम्परेचर जो है यहां पर एक तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, तो 30 या फिर मोर, ठीक है, एंड ऑफ द सेंचुरी आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो इसको कंट्रोल करने की बात यहां पर की जा रही है, तो इसके चलते यहां पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलने वाली है। तो इसी को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर यहां पर प्रॉब्लम निकलने वाली है, ये इनके द्वारा बोला गया। ठीक है, समझाने की भी कोशिश की गई कि वेट बल्ब जो टेम्परेचर है वो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वेट बल्ब जो टेम्परेचर है ये लोवेस्ट टेम्परेचर है विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द वॉटर इनटू द एयर। ठीक है, तो जैसे बोला घड़े में से पानी इवेपोरेट करते रहता है, जितना पानी घड़े में रहेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें से पानी निकलते रहता है तभी अपने आपको ठंडा कर पाता है। अब यहां पर ये कुछ बता रखी है चीजें कि यहां पर दिल्ली के अंदर ईच ईयर जो है अगर बात करें 63 डेज के अंदर वेट बल्ब टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा और आरसीपी 8.5 ये आप लोगों को रहेगा। इनके इसी के साथ में बोला गया, इसको समझिए आप लोग पहले एक बार। आरसीपी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे बेसिकली समझाया गया। अगर CO2 के बारे में बात करें तो CO2 की मात्रा जो बढ़ने वाली है उसके चलते यहां पर देखने को मिलेगा। तो कंडीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, 2000 में इतनी थी, 20 में इतनी हो गई, 40 में इतनी होगी, 60 में इतनी, 80 में इतनी, और 21वीं सदी से लोग जाके जाएंगे यहां पर तो कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन समझाने की कोशिश की जा रही है। एक और पिक्चर है यहां पर एमिशन को समझाने की कोशिश की जा रही है, कितना कितना एमिशन निकल रहा है, तो यहां पर आने वाले टाइम में एमिशन जो है वो कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सारे चार्ट जो है ये बता रहे हैं कि आने वाले टेम्परेचर पर जैसे पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, अगर उसी पैटर्न में हम लोग चलते रहे तो हम लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसने वाले हैं। फिर से वही बोलूंगा, जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं, जिस टहनी पर बैठे हुए हैं, उसी टहनी को हम लोग काट रहे हैं, वो वाला माहौल इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इस टॉपिक को लेकर। तो ये था पूरा इस टॉपिक का डिस्कशन, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहां पर बताया क्या क्या कंडीशन है सारी बातें। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोड देखी, इसके बाद में फिर एक पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को फेस्टिवल के बारे में बताया, मिजोरम का एक फेस्टिवल था। इसी के साथ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी काफी डिटेल में, यूक्रेन के मुद्दे को भी समझा, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या उसके बारे में समझा, मैप बेस्ड एरिया मैंने आप लोगों को ढंग से बताया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताया मैंने डिटेल में, हमारी कंट्री के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से एरिया वो भी मैंने समझाया, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तुर्की कैसे कंट्रोल करती है, तो सारा एक एक पॉइंट क्लियर किया। ठीक है, आगे हम लोगों ने यहां पर बात की इंटर जो गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, वेट जीरो टेम्परेचर क्या है, और ये यहां पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज क्या है इसके बारे में जाना। इसी के साथ में यहां पर कोणार्क टेम्पल के बारे में क्या क्या चीजें, कैसे उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई कौन कौन यहां पर लेकर चलेगा और कहां पर क्या क्या लोकेटेड है सारी बातें जानी। ये यहां पर सी काउ के बारे में मैंने कई सारी बातें आप लोगों को बताई, इसी के साथ में जो यहां पर कंजर्वेशन रिजर्व कैप्स के बारे में भी हम लोगों ने समझा, दिगोंग के बारे में और यहां पर कुछ प्रोजेक्ट इसके बारे में जाने। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है रियलिटी में तो इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है तो कहां पर आप लोग को चीजें देखने को मिलती है ये आप लोग को बताना है, लोकतक लेक जो है वो कहां पर लोकेटेड है, आईपीसीसी जो है वो किसके द्वारा मिलकर बनाया गया है, कोणार्क जो यहां पर बेसिकली इसके अंदर जो चीजें लगाई जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, ORDE क्या है बेसिकली बताना है, सन टेंपल के बारे में आप लोगों को बताना है जो मोधेरा कहां पर ही देखने को मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री ये बताइए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कब का है। ठीक है, थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अगर आप लोग 24 घंटे के अंदर एक बार चीजों को रिवाइज कर देते हैं तो यार कभी उसको भूलोगे नहीं, और लेक्चर खत्म होने के बाद में चीजों को थोड़ा सा रिकॉल जरूर किया करो आप लोग कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेशनल सेफ्टी डे के बारे में हम लोगों ने बात की, इसकी थीम बतानी है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर राष्ट्रीय जो वायुश्री योजना के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ALIMCO क्या था इसके बारे में बताना, IVE IVFRT क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना था, कौन सी मिनिस्ट्री है इसके बारे में आप लोगों को बताना था जिसके द्वारा यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ में रशिया के बाद में अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, दो कंट्री हमारे देश में कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं ये आप लोगों को बताना था, और अगर बात करें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये यहां पर किसके कौन सी कॉन्फ्रेंस में यहां पर कब एस्टेब्लिश किया गया था ये आप लोगों को बताना था। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है, तो पता होना चाहिए। एक एक कर देख लेते हैं, नेचर यंग माइंड सॉरी नर्चर, कल भी मैंने नेचर ही बोल दिया था इसको नर्चर, ठीक है, तो नर्चर करना है बेसिकली एक तरीके से यंग माइंड को एक तरीके से अगर डेवलप करना है सेफ्टी कल्चर देश के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए आप भूलोगे नहीं आप लोग, बेसिकली मैंने दो बार नेचर बोल दिया तो नर्चर हो गया, ठीक है, अब याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहां पर कौन है इसके मिनिस्टर आप लोग बताएगा, तो इसके द्वारा यहां पर ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जाती है, और आर्टिफिशियल लिम मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो यहां पर काम करते हैं जो कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। इमिग्रेशन वीजा फॉरनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बारे में डिफरेंस मैंने बताया था, होम मिनिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। रशिया के बाद चाइना और इंडिया नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात इनके अंदर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
1974 में यहाँ पर बेसिकली ये फंड बनाया गया था ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को सपोर्ट किया जा सके। तो ये था टोटल आज का लेक्चर, कैसा लगा जरूर बताएगा, थम्स अप देकर बता सकते हैं और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना और मेरे पास मेरे साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर यहाँ पर है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।